Traders, complete solution for submersible pumps and electrical accessories near old auto office Mahbub Nagar. Assalamu alaikum nazreen, main Mohammad Abdul Muqeed, aap dekh rahe hain Metti News. Mahbub Nagar ke Moti Nagar mein rehne wale Mohammad Sadatullah Sharif ne anokha karnama kar dikhaya. Muslim mayit ko ghusl dene ke liye bahut si mushkilat pesh aaye the. Iche dekhte hain inhone ek ghusl khana taiyar kiya jo aasani se kisi bhi jagah par le jaya ja sakta hai aur aasani se istemal kiya ja sakta hai. मोहम्मद सादतुल्लाह शरीफ ने आज इस गुसल खाने को मोती मस्जिद कमेटी के हवाले किया. इन्होंने एमएनटी न्यूज से बात करते हुए कहा कि गुसल खाने की तामीर के लिए इन्हें 50,000 की लागत का खर्च आया और वो महबूब नगर के मुख्तलिफ मस्जिदों को देने का इरादा किए. सदर मोती मस्जिद इब्राहिम खादरी ने कहा कि इस गुसल खाने से मैयत को गुसल देने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएंगी. मोती मस्जिद के मुसलिया ने मोहम्मद सादतुल्लाह शरीफ को सताइश की. वाहि वबरकत हो. अल्लाह ताला ने मुझे एक मेरे दिल में और दिमाग में एक चीज़ डाला और मैं ये काम किया, वरना मेरी ये उतनी हैसियत नहीं है जितना कि मैं कर सकूं. अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूं मैं जो मुझे इससे नवाजा है मुझे. लिहाजा ये हर चीज़ हर एक इंसान इसको ले गया कर अपना अपने अपने ये काम करके सही सलामत मस्जिद को वापस करें. मैं इतने इल्तजा चाहता हूँ. ये बनाने का आइडिया कैसा? ये मुख्तसर मैं एक पर्दा देखा था, पर्दे के इसमें जो सो मैं ये फ्रेम बना कर अगर दिया तो जो सो जनाना और मर्दाना के दोनों भी काम आ सकते हैं. बारिश रहने दो या तूफान रहने दो, बहरहाल धूप रहने दो, कुछ भी रहने दो, अपन आसानी से इसके अंदर नहला सकते हैं. और हवा के आसे भी पूरा खोल के रख दिए हम. इसका कॉस्ट कितना पड़ा बनाने? ये कुल दो मिलाकर 49,000 करीब हुआ और इंशाल्लाह नेक्स्ट जुमा में मदीना मस्जिद में भी रखने का ये ऐलान है. ये पहला है. दूसरा जो सो मदीना मस्जिद में रखेंगे इंशाल्लाह. अगर कोई ताउन करने वाले हैं तो और एक रईसा मस्जिद और शाहजहाँ गुट्टा मस्जिद में भी अगर करें तो बहुत अच्छी बात है. वहाँ के लोग भी मुझे बोले हैं कि कोई अगर देना चाह रहे तो ज़रा आप मदद करो हमारी. इसके तालुक से कैसा बनाएगा था, मतलब कैसा यूज़ करना है इसको? ये कोई नट बोल्ट सिस्टम नहीं है, इजी मेथड है. सिर्फ पाइपों में रखने का है, फिट कर लेना है. ओनली फिक्सिंग सिस्टम है. नट बोल्ट सिस्टम कुछ नहीं है. हाँ, नीचे का फ्रेम एक सॉलिड रहेगा. वो भी मॉडिफाई के लिए बोला था तो उन्होंने क्या बोले, इसका फ्रेम जो है अगर अपन मॉडिफाई करें तो जो सो ख़राब हो जाता, कल के दिन टूट गया तो फिर वेल्डिंग का कराना पड़ता. लिहाजा वो सॉलिड वो एक ही रहने दो. लिहाजा अपने को ये बाकी के जैसे चीज़ें पूरे अपन लपट के लेके जा सकते, ताट पाल के साथ पूरे लपट के लेके जा सकते, सहूलत ईजी लेके जा सकते, कोई तकलीफ़ का मसला ही नहीं है. तीन पीस है. ताट पाल का अलग है. नहीं पाइप तीन पीस है ना. फ्रेम के साथ जो सो 15 है, 15 आइटम है. बाकी पूरे खुलने के है, एक फ्रेम को नीचे का छोड़ के. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वरकातहु. तमाम शहरियाने महबूब नगर को इस बात की इत्तला दी जाती है कि खादिमीन मस्जिद इंतज़ामी कमेटी मोती मस्जिद के जानिब से तमाम शहरियान को इस बात की इत्तला दी जाती है कि मोती मस्जिद पर एक गुसल टेंट के नमूना एक चीज़ पेश की जा रही है जो शार महबूब नगर के तमाम जो भी कहें भी किसी का इंतकाल हुआ, मर्द हो ख़वातिन, तो इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते. इसकी ख़ूबी ये है कि कोई भी ऐसी जगह पे आप इसको टेंट फिक्स कर मैयत को गुसल भी दे सकते हैं और बड़े कुशादा तौर पर ख़ास करके इसका इस्तेमाल में लाया जा सकता है. और जब जनाब अफजल शरीफ साहब जो इस टेंट को एक रूनुमा इसको तरतीब देकर जो बनवा कर जो कमेटी को दिए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. और इसकी मजबूती अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी है और इसका जो जो वाटरप्रूफ जो एक टार्पल जो लगाया गया है और इसको पूरा वो निकाल कर उसको फिर फिक्स भी कर सकते हैं और निकाल के भी रख दे सकते हैं. तो तमाम शहरियाने महबूब नगर
سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ جب بھی کسی کو بھی کری ضرورت پڑی تو انشاءاللہ مسجد کمیٹی سے رب پیدا کریں، جناب افضل شریف صاحب سے بھی رب پیدا کر سکتے ہیں، اور ہم خاص تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس کمیٹی کو اس کو مسجد کو جو دیے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو کہ پروردگار ان کے مرحومین کے مغفرت فرما دے اور ان کو اسی طرح سے دین کا کام کرنے والا بنا دے۔ قابل مبارکباد ہیں افضل شریف صاحب جو آر ٹی سی کے محکمے کے ہیں، انہوں نے جو مسجد کو دیا ہے ان کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شتابدی ٹاؤن شپ کی ایک اور نئی پیشکش، سلور اسپرنگ گرینڈ لگژری گیٹڈ کمیونٹی کے شمپیٹ، ڈی ٹی سی پی اپروو لے آؤٹ کے ساتھ 500 فٹ ریجنل رنگ روڈ سے لگا ہوا ماچرلا فارماسٹی کے قریب، تمام ڈیولپمنٹس کے ساتھ صرف 3700 میں ایک گز 147 گز کے پلاٹس بھی دستیاب ہیں۔ سلور اسپرنگ گرینڈ ٹاؤن شپ ملٹی نیشنل کمپنیز اور انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب، سلور اسپرنگ گرینڈ ٹاؤن شپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے۔ آج ہی تشریف لائیے اور سلور اسپرنگ گرینڈ پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیے۔